नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल एमी स्पीक्स पे स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो की बरामदगी के मामले में सीआईयू के पूर्व चीफ सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 25 फरवरी को सचिन वजे को इस मामले की जाँच सौंपी गई थी और ये जानकारी सामने आ रही है कि सचिन वजे की टीम ने थाने के साकेत कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया था और एनआईए की टीम ने उस डीवीआर को फिर से हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लोगों ने वजे की सोसाइटी से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि डीवीआर क्यों हटाया। इसी बीच एनआईए को ये जानकारी मिली है कि स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। सोसाइटी के एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि सीआईयू की टीम के 4 लोग सोसाइटी के क्लब हाउस में 27 फरवरी को आए और उन्होंने डीवीआर जब्त करने की बात कही। इस पर सोसाइटी के मेंबर ने कहा कि वे बिना किसी लिखित आदेश के डीवीआर उन्हें नहीं दे सकते। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक लिखित नोट उन्हें सौंपा जिस पर लिखा हुआ था कि धारा 41 सीआरपीसी के अनुसार हम साकेत सोसाइटी को नोटिस दे रहे हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू डीसीबी सीआईडी मुंबई को धारा 286 465 473 आईपीसी 120 बी इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के दर्ज एफआईआर संख्या 40/21 की जांच के लिए साकेत सोसाइटी के दोनों डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर चाहिए। नोटिस में जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया गया था। एनआईए ने वजह के नेतृत्व में काम करने वाले 2 अधिकारियों के रियाजुद्दीन काजी और एक पीएसआई के अलावा 2 ड्राइवर को भी 9.5 घंटे तक उनके साथ पूछताछ की और ये पूछताछ आज भी जारी है। इस समय पूछताछ हो रही है और इस केस में एनआईए के कुछ अन्य लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं। सीआईयू की जो टीमें वजह की सोसाइटी में डीवीआर लेने पहुंची थी उनमें काजी भी शामिल थे। इसी बीच एनआईए सूत्रों के आधार पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में ये बात सामने आई है कि मनसुख की स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई थी बल्कि ये स्कॉर्पियो 18 से 24 फरवरी के बीच कई बार सचिन वजे की सोसाइटी में नजर आई थी। हिरेन ने अपने बयान में कहा था कि 17 फरवरी को मुल्लन एरोली रोड से उनकी स्कॉर्पियो गायब हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही साबित करती है कि कार में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी, इसे चाबी से ही खोला गया था। तो दोस्तों, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। सचिन वजे जब से अरेस्ट हुए हैं तब से नई नई बातें सामने आ रही हैं। आप के लिए मैं इससे जुड़े हुए सारे अपडेट आपको देती रहूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अपनी राय मुझे देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।